अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं 5 बजे से, और मैं सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो मैं चाय बना रही हूँ रसोई में, बिल्कुल बहुत ही अंधेरा था क्योंकि हमारी घर की लाइट तो आ रही थी लेकिन रसोई का बल्ब फ्यूज़ हो चुका था, और वो रात में हो चुका था तो सुबह कैसे मैं उसको बदलती। तो मैं यहाँ पे अब मैं चाय पी रही हूँ और नाश्ता कर रही हूँ जमावड़ा के साथ। हम तो जमावड़ा बोलते हैं इसको, पता नहीं और क्या बोलते हैं, कोई चूरी बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जमावड़ा बोलते हैं। ये मेरी माँ ने मुझे भेजा था, भाई लेकर आया था, और ये महीनों तक चल जाता है। और ये ना ये उससे आटे से बनता है, गेहूं के आटे से बनता है, मोटा पीसते हैं इसको, भूनते हैं, और फिर इसको भूनने के बाद में इसमें घी मिलाते हैं तो एक काफ़ी लंबा टाइम समय तक चल जाता है ये। इसे जब कितने ही दिन यूज़ करें और बहुत ही अच्छा होता है, एकदम ताकत सी हो जाती है शरीर में। तो उसने मेरे लिए ये भेजा था और मैं इसको सुबह शाम यूज़ करती हूँ, दोपहर में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं भैंस के लिए दलिया डाल रही हूँ, यानी दलिया बना रही हूँ क्योंकि इसमें पानी लिया था, और इसको मैं अब भट्टे में बनाऊँगी क्योंकि मेरा हीटर ख़राब हो चुका था। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, तो मैं चलती हूँ वहाँ पे भट्टे पर। भट्टा मेरा फूटा हुआ था, सोच रही थी कि इसको बना लूँ, कई दिनों से सोच रही हूँ कि, और चूल्हा भी फूटा हुआ है क्योंकि बारिश लगातार हुई थी ना, तो बारिश में मिट्टी इसकी फूली फूली हो गई और ये फूटा हुआ है। देखो यहाँ से ये दरारें आ रही हैं इसमें, तो सोचते हैं कि आज इसको ही बना लेते हैं। तो मैं सुबह सोच रही कि मैंने रोटी वगैरह सब कुछ बना लिया था, और मैं यहाँ पे अब सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ और सब चलते हैं अब मिट्टी भिगोने के लिए। यहाँ पे मैंने परात में मिट्टी भिगो ली है, और फिर यहाँ पर ये है मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है यहाँ पर, कहीं कहीं पर मिलती है किसी खेत में, तो दूर दूर से लाना पड़ता है हमें इसे बनाने के लिए। तो इसी से बनाऊंगी, मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बनाऊंगी। तो इसमें मैं इसके लिए थोड़ी सी वो तूड़े की जो रेनी होती है उसको ले लेती हूँ, तो उसमें मिक्स करना होगा मुझे। और ये मेरी छनावट है उसकी भूसे की, यानी जो भैंस के लिए भूसा डालते हैं तो उसकी छनावट है ये, जो मही मही होती है, तो इसको मैं छान लेती हूँ और उसको फिर मिलाऊँगी इसमें जाकर। मिट्टी में मिलाने इससे ना चूल्हा या कोई भी चीज़ जैसे बनाते हैं वो बहुत ही मज़बूत बनती है, और वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, इससे बहुत मज़बूती और सफाई से बनती है। तो खुजली उड़ती है तो उससे मुझे एलर्जी बहुत है, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं छान लूँ और फिर जल्दी से, और धूप भी काफ़ी खिली थी, और उनकी इसे फिर करना है, उसमें मिक्स करना है, तो मुझे ही करना पड़ रहा था। तो पोपी ऊपर चली गई थी वो रोटी वगैरह खाकर, तो सब हम साथ में लगेंगे। और मैं इसको छान रही थी क्योंकि आपको दिखा दूँ किस तरह छान दें, तो यहाँ पे मैंने नीचे कपड़ा बिछा रखा था उसके ऊपर छान रही हूँ मैं इसे बार बार में लेकर, इतना बहुत ही कम निकल रहा था उसमें, और मुझे घना टाइम हो गया इसमें, 1 घंटा लग गया था। तो इसको बार बार में छान कर इसके नीचे मही मही चूरा सा है, तो इसे हम उसमें मिक्स करेंगे और चिकनी मिट्टी में मिलाते हैं, तो फिर इससे काफ़ी मज़बूत बन जाता है चूल्हा वगैरह जिसे चीज़ को बनाते हैं ना, तो काफ़ी मज़बूत बहुत टाइम तक चलता है, लेकिन 6 महीने 7 महीने तक तो खूब आराम से चल जाता है अगर चलाएं तो, साल भी पकड़ लेता है, साल तक भी चलती हैं इससे जो कुछ बनाते हैं। तो कुछ वो बारिश की वजह से ख़राब हो चुका ना था, तो इसलिए वो बहुत जल्दी बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ इसे मैं जल्दी से कर ले जाती हूँ। फिर और सार आ रही थी मेरे पास बार बार में, बोल रही थी कि मम्मी क्या कर रही इस अंधेरे में, डर लग जाएगा आज बाहर के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये मैंने मिट्टी इसमें मिक्स कर ली है और यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो इसे चूल्हा वगैरह फोड़ना है और फिर इसके बाद इसमें लगा के दिखाएँगे। तो यहाँ पर ये रहा भट्टा, ये होता दलिया पकाने वाला भैंसों का, तो यहाँ पर इसको भी फोड़ डाला है पूपी ने और भिगो रखा है, थोड़ा सा पानी से छिमका मार रखा है इसमें। तो मैं सोच रही थी कि बनाने से पहले थोड़ा सा चाय पी लीजिए, तो चाय पी लेंगे। तो सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था और धूप का इतना किल्ला, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो मैं सोच रही थी कि चाय पी लें, और सारा भी बोल रही थी कि मम्मी चाय चाय वो बहुत पीती है,
रोटी तो खाती नहीं, तो इसके लिए भी मैं चाय बना रही थी यहाँ पे और सबके लिए चाय दे दूँगी। और अब टाइम हो चुका था, 12 बज रहे थे। पोपी बोल रही थी कितनी कड़ी धूप है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो थोड़ा सा शाम हो जाने तो जब बनाएंगे इसे। काफ़ी सख्त ज़्यादा धूप थी और इसलिए उसको बनाना वो सीरियल वगैरह मैं देखने लग गई थी। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, मैंने भी खाना अभी खाया था लेकिन चाय के लिए मन कर रहा है। रोटी खाने के बाद में तो मैं चाय पीने का मेरा बहुत ही मन करता है और चाय में ज़्यादा कर ज़्यादा ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तो मैं इंडक्शन पे ही बना रही हूँ क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो चुका था और वो उसे भरवाना होगा, तो मैं इस पे बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बिजली भी बहुत ही काफ़ी इतना बिल नहीं आता है, मंदी होती है। मीटर वगैरह कम यूज़ करते हैं गांव में सभी, पीकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बनाने में बहुत टाइम लगेगा उसे, तो फिर बाद में बनाते हैं। तो 2 बजे के बाद में फिर बनाने लग गई पोपी और नंद बना रही थी। मेरे पास तो आता ही नहीं है, मैंने कभी बनाया नहीं ज़िंदगी में, अपनी में तो कभी भी नहीं बनाया था, लेकिन तो मैं अपना काम स्टार्ट हो चुका था, मेरा घर का काम, तो मैं घर का काम संभालने लगी थी वहाँ पे कि तुम ये बना लो, तो मैं घर का काम संभाल लेती हूँ और घर का काम चाय वगैरह जो सब्ज़ी वगैरह बर्तन वगैरह सारे काम 6-7 महीनों तक ये चल जाएगा। 6-7 महीने बाद फिर बनाना है, हमें ऐसे ही फोड़ कर इसे और इसे बार बार इसके ऊपर पोछा लगाना है, जैसे भी होता है। जब सूख जाएगा ना तो इसके बाद में इस पर पोछा लगाएंगे, 2 दिन में ये सूखेगा। यानी रोटी पकानी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि मैं कहाँ पे रोटी पकाऊँ, और दोनों बाहर भीतर के चूल्हे में, दोनों में ही पोपी ने इसमें मिट्टी लगा ली है। मुझे तो बहुत हार्ड लगता है सच में बनाना, तो पोपी बनाती है, कभी बनाती है, नंद भी बना लेती है, मैंने कभी भी नहीं बनाया था, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है बनने में। ये था भट्टा ये दलिया का जिसमें दलिया बनाते हैं भैंस के लिए, तो ये बहुत अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे चूल्हे शहरत सारा के दोनों बहनों के चूल्हे बनाए हैं, एक चाचा की लड़की के तीनों के बनाए हैं। वो भी कहने लगी कि हमें बनाओ, कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, छोटी चीज़ बहुत होती अच्छी लगती है जैसे भी होती है। तो अभी गीले हैं तो इनको टाइम लगेगा 2 दिन में सूखने में, और जब सूख जाएंगे तो फिर इसके बाद में इसमें खाना बनाएंगे। ये अंदर का चूल्हा है तो इसमें मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इसमें कम मिट्टी लगी थी, गीली गीली ऊपर की, तो इसमें काफ़ी देर तक आँच जली थी इसमें सच बताऊँ, और इसमें रोटी बना रही हूँ। ये अंदर है इसी में सब्ज़ी बनाई थी कि बहुत ही देर में सब्ज़ी और रोटी बनी थी कि इसमें आँच बहुत खाई थी इसने सूखने में, तो ये बहुत जल्दी हो चुका था क्योंकि इसको पूरा नहीं बनाया था, थोड़ी बहुत इससे मिट्टी छुड़ा कर इसमें बना ली थी। तो अब मैं शाम के वक्त यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, वो सब काम से फिनिश हो चुकी है। और मैंने आज का व्लॉग ये दिखाना था कि हमारी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन होती है विलेज की, तो मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, चूल्हा वगैरह बनाना होता है। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।